हेलो, आप सभी अच्छे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, खुश होंगे। तो आज हम बात करेंगे मुझे क्या बनना है, मैं कौन सा कैरियर चुनूं, क्या करूं, कौन से विषय लूं, कौन से सब्जेक्ट्स को लेकर आगे बढ़ सकता हूं। मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूं क्योंकि मम्मी ने कहा है, पापा चाहते हैं। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं क्योंकि मेरा दोस्त बन रहा था। नहीं, मुझे डांस करना, ये थिएटर करना बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत एंजॉय करता हूँ उसको। मैं लेकिन देश के लिए भी तो कुछ कर सकता हूँ, तो क्या मैं फौज में चला जाऊँ? नहीं, मुझे डिजिटल मार्केटिंग में जाना है, मोबाइल पर मुझे काम करना बहुत मज़ा आता है। इतने सारे प्रश्न और छोटा सा दिमाग और छोटा सा दिल, तो हम सब दुखी हो जाते हैं इन सब प्रश्नों के हल ढूंढते ढूंढते, और फिर हमें मिलता ही नहीं है कुछ। तो अभी हम एक एक्सरसाइज करेंगे, राइट? पेन और पेपर ले लीजिए, और पेन और पेपर लेने के बाद हम अपने से कुछ प्रश्न पूछेंगे। उन प्रश्नों के बाद हमें कुछ क्लैरिटी आएगी कि हम करना क्या चाहते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका कि आप उन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में लिखिए जिनको पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जिनको पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा है, जिनको आपको लगता है कि मैं आगे भी पढ़ सकता हूँ, ठीक है? तो पहला प्रश्न हुआ कि आपको वो सारे सब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है आपको कि आप मान लीजिए रात को आप ऐसा कौन सा काम करेंगे, अगर आपको रात को 2 बजे 4 बजे उठकर किसी ने बताया, बोला कि उठो 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 उठो, तुम्हें ये काम करना है, तो तुम फटाक से उठ जाओ और वो काम करने लगो, आपको बोरियत ना हो। तो आप ऐसा कौन सा एक काम करना चाहेंगे जिसको आप रात के 2 बजे भी, दिन में भी और किसी भी टाइम आराम से कर सकते हैं और आपको कोई टेंशन नहीं है, आप पूरा जी लगा के उस काम को कर रहे हैं, आप मन लगा के उसको काम को कर रहे हैं और आपको वो काम करने में बहुत सुकून मिल रहा है। तो ऐसा एक या दो या चार काम आप सोच कर आप लिखिए। अब तीसरा प्रश्न ये है कि आप ये सोचिए कि आने वाले 15 सालों के बाद आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, क्या काम करता पाते हैं, आप कितना आगे जाना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में लिखिए। जब उस तीनों प्रश्नों के उत्तर आप अपने आप को दे पाएंगे, तो फिर आप उसमें से आराम से सोच सकते हैं कि आपको इन प्रश्नों के उत्तरों ने कुछ लाभ दिया, क्या आप को कुछ परेशानियाँ आपके दिमाग की और दिल की, हम यहाँ पर दिल की बात कर रहे हैं तो हम दिल की सुनेंगे, तो आपके दिल की कुछ परेशानियाँ क्या दूर हुई, और नहीं हुई तो आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा कि आप और क्या चीज़ें चाहते हैं, क्या बातें करना चाहते हैं, या अगर आपको क्लैरिटी आई तो किस हद तक क्लैरिटी आई। फिर हम नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट बात उसी पर करेंगे, और मैं आपके साथ कुछ कहानियाँ भी लेकर आऊँगी, और कहानियों के साथ हम कुछ अपनी दिल की परेशानियों को सुलझाएंगे, दिल और दिमाग और दिल को साथ में जोड़कर आगे चलेंगे। क्योंकि जिस काम से हम प्रेम करते हैं ना, उसी काम को आगे बढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, वरना कहीं ना कहीं ये लगता है कि उफ़ो आज भी सुबह उठ के मुझे ऑफिस जाना है, उफ़ो आज भी 9 से 6 मुझे जाना है, उफ़ो बॉस ने इतनी सारी फाइल्स मुझे दे रखी हैं, ये काम तो मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे तो कुछ और पसंद था। तो मैं नहीं चाहती कि आप पैसा तो कमाएं लेकिन आगे 10 साल बाद 20 साल बाद पछताएं कि वो मैंने क्यों नहीं किया जो मेरा करने का मन था, राइट? तो जल्दी से इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप लिखें और मुझे बताएं कि क्या आपको इन प्रश्नों के उत्तर को लिखने के बाद कुछ क्लैरिटी आई। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी अगेन। सो मैं आपका वेट करूंगी। थैंक यू, बाय बाय।